देश के लिए कोई छोटा नाम नहीं, भारत रत्न से सम्मानित उन्हें किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक चेहरा, और राम मंदिर निर्माण की जो आधारशिला रखी गई है उसकी यात्रा निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी को 2 सदस्यों से 400 तक पहुंचाने के सफर में बड़ा योगदान करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में हैं, और ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। और देश के प्रधानमंत्री पद के लिए कई बार उनका नाम सामने आया, लेकिन वे संगठन में रहकर संगठन को मजबूत करने में लगे रहे, और आज उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर साझा की है। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। पवन, एक बड़ा ऐलान, और खुद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर दी है। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी का जो राजनीतिक जीवन है बहुत लंबा है, आपने देखा होगा सार्वजनिक उनका जो जीवन रहा है बहुत बड़ा रहा है, 50 साल से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन उन्होंने जिया है। भारत की आजादी से लेकर आज तक लगातार उनकी अगर बात करें तो बहुत सारे चर्चे उनके तमाम कामों के होते हैं। उनका राजनीतिक जीवन की बात करें तो बहुत बड़ा एक उनके समय था, उनको पूर्व गृह मंत्री रहे देश के, पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे देश के, उसके साथ साथ INB मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री ने भी उनका जिक्र ये सरस किया है। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव था राम रथ यात्रा, जब उन्होंने गुजरात से शुरू करके और राम मंदिर के लिए पूरा अभियान तेज किया था, उसके लिए भी उनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। यानी कि सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे काम आडवाणी जी ने ऐसे किए, और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में किया है कि उन्होंने जब आडवाणी जी से बातचीत की भारत रत्न मिलने के बाद, उन्होंने बताया कि जिस तरह से आडवाणी जी का बहुत लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, चाहे वो एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो या INB मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, तो लगातार जिस तरह से संसद के अंदर जो उनकी इंटरवेंशन रहे हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, और उसी के चलते उनको आज भारत रत्न की घोषणा की गई है। यानी कि अब पहले आडवाणी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और अब सरकार ने उनको भारत रत्न का देने की घोषणा की है। और जो तस्वीरें पवन शेयर की गई हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, वो बताती हैं वो मुस्कुराहट, साथ ही साथ जब रीट्वीट करते हैं अपने ट्वीट को प्रधानमंत्री, तो कुछ और बातों का जिक्र उनकी तरफ से कहा गया है कि जब जब मुलाकात हुई है अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द उनकी तरफ से खुद लिखे गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने देखा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तो उस समय ये जुगलबंदी मानी जाती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो लाल कृष्ण आडवाणी जी की, उसके साथ साथ जब राम रथ यात्रा उन्होंने आडवाणी जी ने निकाली तो उसके संवाहक के रूप में, संचालन के रूप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देखे गए। आपने लगातार कई सारे जो पुराने वीडियोज में हम देखते हैं, पुराने चित्रों में हम देखते हैं, तो लगातार नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ दिखते हैं, और पूरा राम रथ यात्रा जब निकली थी उसका चालन करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों ही नेताओं की बहुत पुरानी बॉन्डिंग है। हम भी आज भी जब देखते हैं, जब भी लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर जाते हैं, उनको विश करते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, समय समय पर फोन करके जानकारी, उनकी जो बेटी है प्रतिभा उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो दोनों ही नेताओं के बीच में बॉन्डिंग बहुत गहरी है, और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो उनके राजनीतिक गुरु के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी को माना जाता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री आज अपने आप को बहुत भावुक महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और ये भाव विभोर कर देने वाला क्षण भी लाल कृष्ण आडवाणी के लिए है। कई बार ऐसे मौके बने पवन के जब प्रधानमंत्री पद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आगे बढ़ाया गया, लेकिन उस वक्त भी सत्ता छोड़ संगठन को मजबूत करने में लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्परता दिखाई, और ये उसी का परिणाम कहा जा सकता है कि आज पार्टी इस मकाम पर पहुंची। और भगवान राम का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का माना जाता है। भारत रत्न का जो एक बड़ा सम्मान उन्हें मिलने जा रहा है, ये भी एक बड़ा मौका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरह की बातें कही जाती हैं, विरोधी जिस तरह से कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और PM मोदी को लेकर के कई तरह की बातें चलती हैं, उसका यहां पर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि बहुत प्रेम और एक जो भाव है वो दोनों के बीच वो भी दिखाई दिया है।
जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी जी की जो बॉन्डिंग है उसको वो बहुत गहरी है और दोनों ही नेताओं की समझ एक दूसरे के साथ बहुत परस्पर प्रगाढ़ है, उसी के चलते आप देख सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी जिस तरह से लगातार कई बार उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने संगठन को सर्वोपरि रखा, तमाम सारे जो लाभ के पत्ते उनको साइड में रखे हुए उन्होंने संगठन को बढ़ाने की कोशिश की और वही कारण है कि जब दो सीट से बढ़कर आज बीजेपी 303 सीट तक पहुंची है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का भी रहा है। देखें पूरा राम मंदिर मूवमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, राम रथ यात्रा की बात करें तो हमेशा आगे रहे, तो ये सब विषय ऐसे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के सार्वजनिक जीवन में और बीजेपी को एक आज की जो स्थिति में पहुंचाने का जो बहुत बड़ा श्रेय है कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी को जाता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें राजनीतिक जीवन की तो लगातार आपने देखा कि जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए, लगातार जो अगर सार्वजनिक जीवन की बात करें, विपक्ष के साथ भी संबंधों की बात करें या फिर संसद के अंदर के अपने इनसाइट्स की बात करें, संसद के जो जो आचार विचार हैं उनकी, संसद की जो गरिमा है उसकी बढ़ाने की लगातार बात करें तो उनका बहुत बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का इस पूरे में रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री आज जिक्र करते हैं संसद के अंदर के उनके इनसाइट्स की और वो अपने ट्वीट के अंदर बताते हैं कि किस तरह से लालकृष्ण आडवाणी जब पूर्व उप प्रधानमंत्री थे या गृहमंत्री तो आईएनपी मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किए तो संसद के अंदर भी उनका बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है, तो ऐसे में आज उनको भारत रत्न दिया जा रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ा पल है। और अक्सर ही विपक्ष को भी हमने देखा है पवन, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर जरूर चुटकी ली जाती होगी आंतरिक तौर पर कि चूंकि सार्वजनिक मंच से भी विपक्ष कहता है कि जो सम्मान उन्हें देना चाहिए था वो अभी तक उन्हें मिला नहीं है। हालांकि ट्वीट की हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो शब्द भी आप देख लीजिए प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहे गए हैं, मुझे लगता है ये तमाम चीजें उन विपक्ष के आरोपों को सीधे तौर पर नकारती हैं। देखिए जाहिर तौर पर ये विपक्ष आरोप जरूर लगाता था लेकिन जब भी मौका मिलता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपने देखा कि पिछले कुछ समय से आडवाणी जी का स्वास्थ्य जो है बहुत ठीक नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर उनकी बेटी जो प्रतिभा आडवाणी है उनको फोन करके उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानना हो या उनके जन्मदिन के मौके पर वहां जाकर उनको बधाई देनी हो, ये सब ऐसे मुद्दे ऐसे मौके हैं कि जिन पर लगातार प्रधानमंत्री उनके घर पर जाते रहते थे। उसके साथ साथ अभी जब अब उनका भारत रत्न की घोषणा करने के बाद में जो तमाम विपक्ष के जो आरोप थे जो बातें थी वो सब पर एकदम विराम लगा दिया है कि जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लालकृष्ण आडवाणी का सम्मान करते आए हैं और जिस तरह से उनकी एक बॉन्डिंग है बहुत खास बॉन्डिंग रही है उसको आप देख सकते हैं तो सीधे तौर पर आप ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले मुलाकात के दौरान कई लोग प्रधानमंत्री के साथ एलके आडवाणी से मिलने के लिए गए थे, उस वक्त कौन कौन पवन वहां पर मौजूद था? हेलो, हाँ पवन आवाज मिल पा रही है? कौन कौन गया था एलके आडवाणी से मुलाकात करने के लिए जब पीएम मोदी उनके पास गए थे, जब पुष्प गुच्छ उन्होंने दिया, उस वक्त और भी कई बड़े नेता वहां मौजूद थे? देखिए अभी तो जब अगर बात करें